अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तोश। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, 3 अंडे, नीम गरम दूध थोड़ा सा, और शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सबसे पहले हम शुगर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है। इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, यकजान करना है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं शुगर डिसॉल्व हो गई है ऑलमोस्ट। अब हम एक एक करके अंडा इसमें ऐड करेंगे। कोशिश करें कि कोई क्रम्स ना जाए, लेकिन अगर चले जाएं तो हम उसको निकाल लेंगे। हमने 3 अंडे इसमें ऐड कर लिए। आपने देखा होगा कि हमने 3 अंडे यूज़ किए हैं, तो मैंने 6 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। आप 1 अंडे के लिए 2 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ लोग पानी में शुगर डिसॉल्व करते हैं। मिल्क ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि जो आपके फ्रेंच टोस्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। हम अच्छे से इसको मैश करेंगे। हम एक पैन लेंगे और इसमें अकॉर्डिंग टू नीड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम वेट करेंगे कि थोड़ा गर्म हो जाए। अब हम ब्रेड को लेंगे और इसमें डिप करेंगे अच्छे से। अच्छे से डिप करना है, सारी साइड्स कवर हो जाएं एग से। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं फ्रेंड्स आपको 2 तरह से फ्राई करना बताऊंगी फ्रेंच टोस्ट को। अभी हम डीप फ्राई कर रहे हैं। थोड़ी देर वेट करें जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाए। हम साइड चेंज कर देंगे। थोड़ा ये थोड़ा टाइम है, ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंच टोस्ट रेडी है। ये हमने डीप फ्राई किया है।
अब मैं आपको फ्रेंच टोस्ट बहुत कम ऑयल में बनाना सिखाऊंगी। हम सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसको इस तरह से तवे को ग्रीस कर लेंगे। हम ब्रेड के पीस को दोबारा से वही प्रोसीजर रिवाइज करेंगे। अच्छे से एग में डिप किया, देखेंगे इस तरह से आप हम 1 टेबलस्पून ऑयल में 2 फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं। इसकी साइड चेंज करेंगे हम, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत गोल्डन। फ्रेंड्स देखिए कम ऑयल में जो हमने फ्रेंच टोस्ट बनाए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब ये रेडी है, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंच टोस्ट हमारे रेडी हैं, आप इसको इंजॉय करें। आप इसको देखें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये हमने डीप फ्राई किया था और ये हमने 1 टेबलस्पून में 2 फ्रेंच टोस्ट बनाया है। हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छे हैं और टेस्ट वाइज भी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स ये एग्शेल्स हैं, इसमें आप देखेंगे ये वाइट एग थोड़ी सी इसमें है, ये देखें ये वाइट एग जो है इसको हम अपने नोज़ पे आप इसी तरह से फिंगर की मदद से लगा लें, अच्छे से अपने नोज़ को कवर करें। ये सारे जो एक्शेल्स हैं उनमें से अच्छे से आप इसको लेके यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आफ्टर 20 मिनट्स जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। आप देखिएगा आपके जो ब्लैक और वाइट हेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। और एक्शेल्स जो हैं अगर आपके आपको गार्डनिंग का शौक है आप इसको अच्छे से क्रश करें इस तरह से। मैंने ऑलरेडी इसमें से वाइट एग निकाल लिया है और उसको अपने नोज़ पे अप्लाई भी कर लिया है, तो काइंडली आप भी ज़रूर करिएगा। और ये जो रिमेनिंग एक्शेल्स हैं ये आप खाद के तौर पे अपने पौधों में डाल सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके जो पौधे हैं वो कितने अच्छे से नरिश होंगे और एक बहुत अच्छी खाद है। और जो वाइट एग का मैंने आपको बताया है ब्लैक हेड और वाइट हेड इससे रिमूव हो जाते हैं, लेकिन आपको वीक में 2-3 वीक ये रेमेडी यूज़ करनी होगी और दिखेगा आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।